डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ, वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मींस नो। इतना समझता तो तू क्यों बार बार आता है? 4 महीने। पठान की शूटिंग के लिए कौन से लोकेशंस चुने गए, किन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताई गई ये बड़ी अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, पठान का जादू और जलवा रिलीज से पहले ही सबको दीवाना बना रहा है, तो सोचिए रिलीज होने के बाद आखिर क्या होगा। अब हमारे किंग खान की फिल्म है तो कोई छोटी मोटी तैयारी तो होगी नहीं, और आदित्य चोपड़ा जो इतना पैसा बहा रहे हैं उन्हें भी तो पैसा वसूल करना है ना। तो दोस्तों चलिए, ये तो होता ही रहेगा, पर आपको फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमें ये तो पहले बताया गया था कि इस फिल्म की शूटिंग स्पेन में होगी और कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई थी, पर आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग 8 देशों में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 8 देशों में, वो भी अलग अलग लोकेशंस पर। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं जैसे कि इंडिया, स्पेन, टर्की, यूएई, रशिया, इटली, फ्रांस और अफगानिस्तान। इंडियन फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात शेयर करते हुए एक तस्वीर शेयर की है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं जिसमें आप गाड़ी का ब्लास्ट होना और हवा में बाइक के साथ छलांग मारते हुए किंग खान को देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे इससे पहले फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज किया गया, साथ ही साथ शाहरुख खान की एक शॉर्टलेस तस्वीर शेयर की गई जिसमें वो लंबे बालों के साथ अपना फिजिक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम इस बात पर हैरा होती, जिस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कमेंट्स की बरसात कर दी। पर उसमें भी शाहरुख की हसीना यानी गौरी खान का कमेंट सबका ध्यान खींच रहा था, जिन्होंने लिखा कि ओ गॉड, अब तो ये शर्ट से भी बात कर रहा है। वैसे क्या करें गौरी, ये शर्ट भी तो हमारे किंग खान की दीवानी है ना। तो ऐसे ही बहुत सी जबरदस्त और मजेदार खबरें आगे जाकर आपको और भी सुनने को मिलेगी। जी हाँ, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इंतजार करिए 25 जनवरी का, जब फिल्म रिलीज होगी। और जाते जाते आपको ना इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।